हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। जैसा कि सभी जानते हैं सावन प्रारंभ होने वाला है और आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए सावन माह में किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बताने वाली हूं जो आपको करना है। यानी कि आपको अपने घर पर सावन प्रारंभ होने से पहले यह एक चीज लेकर आनी है और इसके बाद आपको ये विशेष उपाय करना है। आज की वीडियो में गुरु जी के द्वारा बताए गए दो विशेष उपाय बताने वाली हूँ। दोनों ही उपाय सावन महीने से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान से आज की वीडियो को देखना और ये जो उपाय हैं इनको अच्छे से नोट करना। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करना। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय ही इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए सावन प्रारंभ होने वाला है और सावन महीना प्रारंभ होने से पहले यानी कम से कम 3 या 4 दिन पहले ही आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस बार जो सावन है वो 59 दिन का होने वाला है, यानी बहुत ही अच्छा आपको इस बार भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने वाली है। 59 दिन तक अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उनकी विशेष आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके लिए आप सावन महीना प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 या 6 दिन पहले ही आप एक अपने घर पर बेल का फल लेकर आए। अगर आपके आसपास कोई बेल पत्री का पौधा है तो उससे भी आप ये बेल का फल ले सकते हैं, नहीं है तो आप बाजार से एक बेल का फल मंगा लें और उस बेल के फल को मंगाने के बाद जो बेल का फल है उसके ऊपर का जो छिलका है उसको उतार करके आप एक साइड में रख दें और जो अंदर का गुर्दा है उसको निकाल कर एक कटोरी में अलग से रख लें और फिर इसके बाद इस जो गुर्दा है इस गुर्दे को आप अग्नि की सहायता से जला लें। यानी अग्नि में आपको इसे जला लेना है और जलाने के बाद आप इसको महीन पीस लेंगे। अगर आपके घर में सिलवट्टा है तो आप उस पर पीस लें, मिक्सी है तो उसमें आप इसको पीस लें और पीसने के बाद इसे महीन चलनी की सहायता से छान लेंगे और छानने के बाद अपने घर में किसी भी छोटी सी डिब्बी या बड़ी सी डिब्बी जिसमें कि ये सारी जो भस्म है वो आ जाए उसमें आपको ये रख लेनी है। और जैसे ही सावन प्रारंभ होता है तो पहले दिन से ही भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल लेकर उसमें एक चुटकी इस भस्म को डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर देना है और लगातार सावन समाप्त होने तक आपको ये लोटा जल एक दिन भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जब आप पहले दिन इस लोटा जल को समर्पित करेंगे उस दिन आपको अपनी मनवांछित इच्छा को बोल देना है कि बाबा मैं ये जो लोटा जल है इस उद्देश्य से आपको समर्पित कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। देखना भगवान भोलेनाथ का चमत्कार कि सावन समाप्त होने से पहले ही आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों दूसरा उपाय ये है कि जिन व्यक्तियों के घर में संतान नहीं है, जिनके घर में बहुत साल हो गए संतान हुई नहीं है या फिर उन्होंने कई उपचार कराए, डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने उनको मना कर दिया, तो उनको क्या करना है कि ये जो सावन का महीना है इस सावन के महीने में आपको पहले दिन और अंतिम दिन आपको ये एक विशेष उपाय करना है। आपको करना क्या है कि आपको एक बेल पत्र लेनी है और बेल पत्र लेने के बाद सावन के महीने में यानी पहले दिन किसी भी दिन यानी कि पहले दिन किसी भी समय चाहे सुबह से या फिर शाम को पहले ही दिन आपको ये जो बेल पत्र है भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास ले जा करके समर्पित करनी है। ध्यान रहे ये जो बेल पत्र है आपको जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहां पर अपनी इच्छा को बोलते हुए समर्पित करनी है और तुमरुका जी का नाम लेना है। ध्यान रहे तुमरुका जी का नाम लेकर आपको ये बेलपत्र समर्पित करनी है और सावन महीने के अंतिम दिन भी आपको ये उपाय करना है। इस उपाय से जिनके घर में संतान नहीं है उनके घर में चाहे पुत्र हो या फिर पुत्री हो, दोस्तों ऐसे घरों में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलकर ही रहता है। आपके द्वारा भगवान शिव को समर्पित की गई एक बेल पत्र के प्रभाव से आपके घर में किलकारियों की गूंज अवश्य होती है, आपका वंश वृद्धि अवश्य होता है, आपका वंश आगे अवश्य बढ़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिन पर संतान नहीं हो और वे सावन महीने में इस उपाय को करें उनके घर में संतान होकर ही रहती है। दोस्तों आज की वीडियो में गुरु जी के द्वारा बताए गए दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई
ऐसा शब्द जो सही से आपकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो का जो उपाय है वो सही से समझ नहीं आया है, अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। परंतु आपसे एक छोटा सा अनुरोध करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय ही प्राप्त होते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना बिल्कुल न भूलें।